अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर नंबर 2 ऑफ इस्लाम एंड साइंस जो हमारा चैनल है, राइट, तो इसमें हम जिक्र कर रहे हैं पारा नंबर 29 सूरह नूह के 3 आयतें, आयत नंबर 13, आयत नंबर 14 और आयत नंबर 17। इसको साइंस से हम रिलेट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 13, मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा, मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा, 13 आयत नंबर है, जिसका तर्जुमा उर्दू में है, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बर्तारी का अकीदा नहीं रखते, इसका तर्जुमा है। आयत नंबर 14, वक़द क़लकुम अतवारा, वक़द क़लकुम अतवारा, इसका तर्जुमा जो है, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है, तरह तरह यानी इन स्टेजेस अल्लाह ने हमें पैदा किया है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हमको जो पैदा किया गया है स्टेजेस में, स्टेज वाइज पैदा किया गया है। नेक्स्ट आयत नंबर 17, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज नबाता, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज नबाता, इसका तर्जुमा उर्दू में, और तुमको जमीन से एक खास एहतमाम से उगाया और पैदा किया। ये 3 आयतें हैं अल्लाह ताला ने जो हमको दी है कुरान करीम में, जो कि पारा नंबर 29 सूरह नूह की 3 आयतें हैं, 13 आयत नंबर 13, आयत नंबर 14 और आयत नंबर 17। तो ये 3 आयतों में से ये 2 आयतें मैं ले रहा हूँ, ये आयत नंबर 14 और आयत नंबर 17। हमको पैदा कैसा किया अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं कि इस तरीके से पैदा किए हैं, आज साइंस ने प्रूफ किया कि नहीं किया। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमको कि हमको अल्लाह ताला ने, जैसे कि हम ये देख रहे हैं आयत नंबर 14, इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह हमको स्टेजेस में पैदा किए, इन स्टेजेस अल्लाह ने पैदा किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं आयत नंबर 17 में, खास एहतमाम से उगाया गया, पैदा करने से पहले आपको उगाया गया, उगाकर पैदा किया गया, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो मेरे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज के सेशन में। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह कह रहे हैं 4 नॉट 3। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि स्टेजेस में पैदा किया, यानी स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस में आप हमको पैदा किए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमको उगाया गया, उगाया गया, राइट। पॉइंट नंबर 3, अल्लाह ताला तुमको कह रहे हैं कि उगाकर पैदा किया गया जमीन से। तो पॉइंट नंबर 1 स्टेजेस, पॉइंट नंबर 2 उगाया गया, पॉइंट नंबर 3 पैदा किया गया, पॉइंट नंबर 4 जमीन से। 4 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 स्टेजेस, पॉइंट नंबर 2 उगाया गया, पॉइंट नंबर 3 पैदा किया गया, कहां से, जमीन से। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन द लाइट ऑफ साइंस। साइंस क्या बोल रही, जैसे ही एक मेल और एक फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं, मेल और फीमेल, एक मर्द और एक औरत जब इंटरकोर्स करते हैं, तो औरत के जिस्म में इंटर होता है स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, ये जाकर एक को फर्टिलाइज करता है जो कि फीमेल बॉडी में होता है। ओके, अब इसका लेना देना किस इस्लाम ये आयत से कैसे है? अल्लाह ने कहा कि उगाया गया है, उगाया का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी जिस तरह हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। पेड़ पौधे कैसा उगाते हैं, डायरेक्टली हम बीज नहीं डाल सकते, पहले हम क्या करते हैं, जमीन को, मिट्टी को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ के क्या करते हैं उसको, कैसे बोलूं मैं आपको, हम जो है उसको मिक्स करते हैं सॉइल को, राइट। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसको फर्टाइल करना है जमीन को। फर्टाइल कैसा करेंगे कोई भी जमीन को, उसे चाहिए पानी, उसे चाहिए हवा, एरिएशन एंड वाटरिंग, दिस टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आफ्टर प्रोवाइडिंग एरिएशन कैसा मिलेगा, जब जमीन को खोलोगे तो जमीन के अंदर हवा जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हवा भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। जब हवा, पानी और बीज, ये 3 चीजें जब आप जमीन में डाल दे रहे हैं साथ में फर्टिलाइजर्स के, ताकि अच्छा फर्टिलाइज हो, अच्छा कल्टिवेट हो अपना प्लांट, अंडरस्टैंडिंग,
इससे अल्लाह ताला ने हमको क्या किया, आयत में नरेट किए कि ऐसा है आप लोगों का कल्टीवेशन। अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि अल्लाह ने क्या कहा है यहाँ पे, एक खास अहतमाम से उगाया गया है। खास अहतमाम का मतलब है कल्टीवेशन। तो हो रहा क्या है, आज साइंस प्रूफ कर दी हमको इन डिटेल एवरीथिंग, जैसा है बच्चा कैसे पैदा होता है। दैट्स व्हाट द पॉइंट इट्स बीन सेड। पहला पॉइंट स्टेजेस में चेक करते हैं, स्टेजेस में होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म जाके एग को ब्रेक करता है, मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं एक साथ, मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ दो ही स्पर्म एग तक पहुंचते हैं, एक फर्टिलाइज भी नहीं। जब तक स्पर्म नहीं लगेगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी स्टेज नंबर वन, एग को फर्टाइल करना है। एग को फर्टाइल कौन करेगा, स्पर्म करेगा। कैसे करना है, स्पर्म का जो हेड होता है, स्पर्म का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, एग के आउटर लेयर को ब्रेक करके उसके अंदर जाते हैं। किसके अंदर जाते हैं, एग के अंदर जाते हैं। इससे क्या हुआ, एग फर्टिलाइज हो गया, स्टेज नंबर वन फर्टिलाइजेशन। जैसे जमीन खोद के बीज डालना है, जमीन खोदे क्यों, वाटरिंग और एरिएशन के लिए, उसी तरीका से स्पर्म क्या हो रहा है, आपके एग को ब्रेक कर रहा है। एग को ब्रेक करा, कौन ब्रेक किया, कितने स्पर्म निकले थे, 500 मिलियंस 1000 मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं एक साथ पर इजैकुलेशन। अंडरस्टैंडिंग, उसमें से पहुंचते कितने हैं एग तक, सिर्फ दो, मुश्किल दोनों में से सिर्फ जो फास्टेस्ट होता है वही स्पर्म क्या करता है, विद इट्स एंजाइम्स ऑन टू द टॉप हेड ऑफ द स्पर्म जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो स्पर्म के एंजाइम्स क्या करते हैं, ओवम यानी एग को ब्रेक करते हैं। जैसे ही स्पर्म एंटर हो गया एग में, वो एग को हम बोलते हैं फर्टाइल एग, फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टेज वन। स्टेज टू, वो एग स्प्लिट हो जाता है दो सेल्स में। स्टेज थ्री, वो स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स टू फोर सेल्स। स्टेज फोर, 8 सेल्स। स्टेज फाइव, 16 सेल्स। आफ्टर 16 सेल्स इट विल बी स्प्रेडेड इनटू एन नंबर ऑफ सेल्स। 16 सेल्स के बाद एन नंबर ऑफ सेल्स में क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, सिस्ट जिसको बोलते हैं आप, यानी गोश्त का लुथरा, ओके, एम्ब्रियो फीटस जिसको बोलते हैं आप, और जब बड़ा होता है नेक्स्ट स्टेज, फीटस जब बड़ा होता है तो फीटस में, एम्ब्रियो में सबसे पहली चीज बनती है दिमाग, इंसानी दिमाग बनता है। दिमाग के बाद नेक्स्ट चीज जो आता है सीधा सीधा फीटस में, पहले ब्रेन बनता है, ब्रेन के बाद हार्ट बनता है, हार्ट के बाद अल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेजेस बोलते जा रहा हूँ, आईलिड्स देते हैं, आईलिड्स देने के बाद हैंड मूवमेंट आता है, सब 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 चीज़ें धीरे 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 इन स्टेजेस स्टेप बाई स्टेप बच्चा पैदा होता है इन कंप्लीट 9 मंथ्स। तो पहली चीज प्रूव ये हो गई कि अल्लाह ने कहा है कि तुमको तरह तरह से पैदा किया। तरह तरह का सिंपल मतलब है इन स्टेजेस हम पैदा किए गए, पॉइंट नंबर वन। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर टू, उगाया गया। इट्स वेरी सिंपल नाउ। उगाना का इजी मतलब है, समझना है, उगाया मतलब प्लांट्स हम कैसे उगाते हैं, आपको बता दिया मैं कैसे उगाया जाता है। स्पर्म क्या करता है, फीमेल एग को फर्टाइल करता है, फर्टाइल कर दिया वो एक फिर स्प्लिट हो जाता है, टू स्टेजेस, टू सीड्स, फोर सीड्स, 8 सीड्स, 16 सीड्स, एन नंबर ऑफ सीड्स, आफ्टर एन नंबर ऑफ सीड्स सिस्ट, आफ्टर सिस्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में नेक्स्ट चीज ब्रेन, ब्रेन के बाद हार्ट, हार्ट के बाद जाने, इस तरीके से एवरी सिंगल ऑर्गन विल कम इन टू एग्जिस्टेंस। पहले बोन्स नहीं आते, बोन्स बाद में आते, हमारा जो स्केलेटन जो होता है बाद में आता है, हरी बात, पहले सिर्फ एक गोश्त का लुथड़ा होता है। अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने इन दो आयतों में नरेट कर दी। समझना हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर, और आज एज पर साइंस इट्स इजी फॉर अस, हम सबके लिए इतना आसान है ये समझना कि इसमें कोई 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 दो ऑप्शंस नहीं है, ओनली सिंगल ऑप्शन, व्हाटएवर इट्स बीन सेड हियर इट्स एग्जैक्ट एज पर साइंस, हमको उगाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जमीन से, ये कैसे होगा, जैसे कि अल्लाह फरमा रहे हैं 17 आयत में कि और तुमको जमीन से एक खास अहतमाम से उगाया और पैदा किया। ठीक है, टू थिंग्स क्लियर हो गए कि उगाया गया, पैदा किया गया, डन। उगाया गया माँ के पेट में, उगाया गया आपको, फिर 9 मंथ्स में पैदा किया गया, मगर कहाँ पैदा किया, किससे पैदा किया, अल्लाह फरमाते हैं जमीन से। हाँ, जमीन से, इट्स वेरी सिंपल, हमारा जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स, विटामिन्स, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब के सब
अर्थ में पाए जाते हैं, जमीन में पाए जाते हैं, पानी में, खाने में, हम जो फ्रूट खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जो विटामिन्स लेते हैं, हम ये सारे के सारे कहां से मिल रहे हैं? जमीन से मिल रहे हैं। तो सोर्स क्या है हमारा? जमीन है। आ रही बात समझ में? दैट्स व्हाई अल्लाह क्लियर कट बताया हमको कि आपको जमीन से आपका मेटेरियल, बॉडी मेटेरियल पूरा बना जमीन से, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द विटामिंस, ऑल द मिनरल्स व्हिच इज बीन ऑक्युपाइड इन आवर बॉडी is totally from this land. Summa alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Every single thing is narrated very clearly in all these two verses, and it's totally, what can I say, 100% equal to jo bolte hain na with science, present science. Okay, alhamdulillah, mujhko ye state karna tha regarding these two ayats. Hopefully, I think ye aap logon ke liye ek new way of finding the secrets of nature with the in the totally with the enlightenment of our heart with Quran Kareem. Assalamu alaikum everyone. Acche se dekhiye, Quran ko samajhiye, samajhkar padhiye. Kai sare secrets hai related to galaxies and everything. Inshallah main bar bar aunga, aise lectures aap log ko dete rahunga. Assalamu alaikum. Iske upar gaur kariye, ye teen ayatein main to bol diya thi ki aap bhi gaur kariye, teen ayatein jo ki surah number para number 29 surah nu ke ayat number 13 14 और 17, इसीलिए अल्लाह ताला क्या बोले आयत नंबर 13 में, इतना तुम देख रहे हो, देखने के बाद भी हाउ कम यू कैन गो एस्ट्रे, हाउ क्यों आप भटक रहे हो जब इतना कुछ आपको पता है कि सारा का सारा निजाम अल्लाह ताला वाहिद है जो कर रहे हैं। बस अल्लाह हम सबको दीन पर कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।